सो हेलो गाइस, मैं हूं रोहित गुप्ता भोपाल से और वेलकम करता हूं आपका आपके और हमारे इस YouTube चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में दोस्तों। और आज है संडे 21 तारीख और हमने 13 तारीख को मटकियां लगाई थी दोस्तों। और देख सकते हैं आप 13 तारीख के बाद हमारी इस कॉलोनी में आने लगे अंडे, जो कि मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा। पर कई दोस्त भाइयों का सवाल होगा कि इतने जल्दी 8 दिन में अंडे कैसे आते हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि मेरी इस कॉलोनी के अंदर बहुत जल्दी अंडे आ जाते हैं। तो मैं ऐसा क्या खिलाता हूं, उन्हें क्या पिलाता हूं या फिर उनकी कैसे केयर करता हूं, इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा। अंडे भी दिखाऊंगा, अंडे कितने आए हैं, किस किस मटकी में आए, आना भी स्टार्ट हुए हैं, तो अभी 1 या 2 अंडे इस तरफ से स्टार्ट होंगे और 6 से 7 दिन में हमारी पूरी मटकियों के अंदर अंडे ही अंडे होंगे दोस्तों। तो वो भी वीडियो आगे मैं शेयर करूंगा। पर आज का वीडियो हमारे बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जो भी डाइट हमें फॉलो करानी है, जब हमारे बजीज अंडे देते हैं या फिर अंडे देने के पहले जब हम मटकी लगाते हैं, तो इन 7 से 8 दिनों में 10 दिनों में हमें ऐसी कौन कौन सी सावधानी रखनी है, कौन कौन से उन्हें ऐसे शीट खिलाने हैं, कौन सा उन्हें ऐसा सॉफ्ट फूड देना है जिससे कि वो बहुत अच्छी ब्रीड करें और जल्दी से जल्दी अंडे, जैसे कि मेरे कॉलोनी में आ गए हैं, तो आपकी कॉलोनी में भी या फिर केज में अगर आप ब्रीडिंग करा रहे हैं तो केज में भी अंडे जल्दी आ जाए दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूं दोस्तों। और आज अंडा आया है, मतलब कि आज से 18 दिन के बाद उसमें से बच्चा भी निकलेगा। तो बच्चा निकलेगा मतलब कि होगा गिव अवे। तो गिव अवे के लिए भी सभी दोस्त तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मेरी इस कॉलोनी के अंदर एक सुंदर सा पेयर जो चिक्स का निकलेगा, वो आप में से किसी एक लकी विनर को मैं गिव अवे में दूंगा या फिर गिव अवे में करूंगा उसका। तो वो गिव अवे के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को करना है एक लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे करना है एक बहुत अच्छा सा कमेंट, वीडियो को करना है शेयर। तो जिस किसी भी दोस्त सब्सक्राइबर भाई का नाम जब तक वो वीडियो आता है तब तक सबसे ऊपर रहेगा या फिर मेरे के नजरों में रहेगा, उसे हम वो गिव अवे देंगे दोस्तों। और इन 18 दिनों के अंदर हमें अपने बर्ड्स के लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं, उनके शीड में क्या क्या उन्हें नया खिलाना है दोस्तों, वो सब भी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए एक लाइक। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मात्र 8 दिनों में अंडे, सीजन की फर्स्ट प्रोग्रेस वीडियो। तो आज है संडे और आ गए हैं अंडे, गिव अवे के लिए तैयार हो जाइए। फाइनली अंडे आ चुके हैं। ब्रीडिंग के दौरान क्या क्या खिलाना है, अब अंडे आ गए तो होगा गिव अवे भी। तो कैसे हुआ ये, और ये दे दिया हमने यहाँ पर पानी और बॉइल राइस। डाइट क्या क्या रखनी है, ये सब चीजें देनी है अगर ब्रीडिंग कराना है तो। ऐसा कौन सा शीट खिलाना है जिससे कि अच्छी ब्रीड करे। वीडियो को पूरा देखिए, आपके यहाँ भी होगी ब्रीडिंग, आप में से किसी एक लकी विनर को मिल सकता है एक पेयर बजीज। यही है ब्रीडिंग फार्मूला। सो गाइज, ये है मेरी बजीज पैरोट की कॉलोनी। और सबसे पहले मैं आपको अपने बर्ड दिखाऊंगा, उसके बाद एग दिखाऊंगा, और एग दिखाने के बाद दोस्तों ये एग आने के अंदर जो हमारी सक्सेस रही है, सक्सेस के पीछे का राज बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे बर्ड्स देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारी कॉलोनी जो है वो फुली कवर्ड है दोस्तों। क्योंकि कवर्ड इसलिए है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी के लिए हम कॉलोनी को पूरा कवर करते हैं। ये अभी यहाँ वाला पोर्शन हमने खोला है क्योंकि यहाँ से धूप वगैरह आना स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो आप मेरे बर्ड्स देख लीजिए दोस्तों, इस डंडी के पास या फिर देख सकते हैं इस लाइन में ज़्यादा बर्ड हैं। यहाँ पर जो बर्ड हैं अपनी मटकियों के अंदर हैं और अंडे आना हो गए हैं स्टार्ट दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको अंडे ही दिखाता हूँ, क्योंकि अंडे देखने के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं इस वीडियो के अंदर। और अंडे आने के पीछे जो मेहनत है या फिर अंडे आने के पीछे जो डाइट फॉलो कराई है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये 9 नंबर मटकी में मैंने एक अंडा देखा है, तो आप देख सकते हैं फीमेल अंदर जो है बैठी हुई है। मैं चाहूँगा उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँ, मैं यहीं से जूम करके या तो दिखा दूं आपको, और अगर नहीं दिखेगा तो फिर मैं आपको वहां पर पास क्लोज करके ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए जो हमारी फीमेल है वो बिल्कुल अंडे पर बैठी हुई है, और देखिए हिल भी नहीं रही है बिल्कुल, और काफी ज्यादा एग्रेसिव है। इसकी आंख में आप रिंग देख सकते हैं, आई रिंग है। इसकी नोज पर आप देख सकते हैं, नोज जो है इसकी बिल्कुल आप देख सकते हैं ब्राउनिश कलर की हो रखी है, मतलब कि ये ब्रीडिंग मोड पर है फुल इस समय पर। अगर आपकी किसी भी फीमेल की नोज जो है वो इस तरह की ब्राउनिश होती है, तो आप समझ जाइए कि वो जो है ब्रीडिंग मोड पर है। तो हम इसे अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं आपको थोड़ी देर से एग दिखाऊंगा। अब मैं दूसरी मटकी का एक दिखा लेता हूँ जब तक अगर वो नहीं हट रही है। तो ये 14 नंबर मटकी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आपको भी मेरे ख्याल से उतनी ही खुशी होना चाहिए इन अंडों को देखते हुए, क्योंकि इन्हीं में से जो चिक निकलेगा उसी का करेंगे हम गिव अवे, और आप में से किसी एक लकी विनर को देंगे हम वो गिव अवे। तो ये मेल देख सकते हैं आप यहाँ पर बाहर बैठा हुआ है, इस मेल की एक फीमेल है, वो भी बहुत सुंदर कलर की है और वो अंदर बैठी है। तो मैं धीरे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि हमारे बर्ड जो है नए हैं इसलिए डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए दोस्तों पहला अंडा हमारी इस कॉलोनी का, और ये देखिए कितना शानदार हेल्दी अंडा है, और ये फीमेल ने उसको वापस अपने नीचे छुपा लिया है। और फीमेल का कलर देखिए दोस्तों आप, ये फीमेल का कलर और ये जो मेल है इसका मेल यहाँ पर बैठा है। तो इनके जो चिक्स निकलना चाहिए वो कितने सुंदर निकलना चाहिए आप सोच सकते हैं।
तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आप जिस मटकी में, जैसे देखिए 14 नंबर मटकी है या फिर 14 नंबर मटकी है, आप खुद कमेंट करके बताइए कि मैं किस मटकी का जो पेयर है वो गिव अवे में दूं, तो मैं वही जो पेयर है वो गिव अवे में दूंगा जो निकलेगा इसके अंदर से, इसके अंदर के जो चिक्स बनेंगे। तो ये देख लीजिए हमारी फीमेल ने अंडा अपने नीचे पूरा छुपा लिया, और ब्रीडिंग मोड पर देखिए ये इसकी जो सिरी है, नाक की जो सिरी आप देख सकते हैं वो फुली ब्राउन हो रखी है। तो यही है ब्रीडिंग मोड की पहचान, आप कर सकते हैं इस तरह से ब्रीडिंग मोड की पहचान। हमारी फीमेल फुल एडल्ट है, आप देखिए सर साफ है उसका, आँख के अंदर वाइट कलर का रिंग है जिसके कारण आप पहचान कर सकते हैं इसकी एज जो है अच्छी खासी है। और यहाँ पर इसकी नोज़ के ऊपर देख सकते हैं ब्राउनिश है, और मेल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, देखिए आप ये चिल्ला रहा है यहाँ पर। तो ये सब पहचान होती है हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग की। और यहाँ पर पूरे बर्ड्स यहाँ पर भी बैठे हैं बहुत सारे, और कुछ बर्ड्स यहाँ पर बैठे हैं, देखिए फाइट वगैरह भी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज करके, ये देखिए इसका सर वगैरह फूटा हुआ है। तो ये पूरी आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो है कॉलोनी के अंदर चल रहा है। तो जो एक मटकी हमारी बची है 9 नंबर, उसको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी दोस्तों 2 ही मटकी में अंडे आए हैं, क्योंकि आज जो है 8वां दिन है। अब कल या परसों तक बहुत सारी और भी मटकियों में अंडे आ जाएंगे, इसकी पहचान मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये फीमेल बैठी है, जैसे आप देखिए इसके पैर के पास वेंट के नीचे जो है फूला फूला आपको दिख रहा होगा, मतलब कि ये भी अंडे पर आ चुकी है, अंडे देने ही वाली है, आज या कल में ये भी अंडे दे देगी। इस तरह से हमारी जितनी कॉलोनी में फीमेल है लगभग सभी के पैर के नीचे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए फूला फूला आपको दिखेगा, मतलब एग जो है बन चुका है। ये देखिए इस फीमेल के पैर के नीचे भी मैंने आपको दिखाया, और एक ये फीमेल बैठी है, देखिए आप पहचान सकते हैं कि आपकी फीमेल एग पर है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर पैर के पास और पूंछ के पास थोड़ा सा फूला फूला सा हो जाता है, जिससे कि आप पहचान कर सकते हैं कि आपकी जो फीमेल है वो अंडे पर आ गई है या नहीं आई है, कितने दिन में आ जाएगी। अब ये इस तरह की अगर आपकी फीमेल है, और अगर उसकी आप देख सकते हैं वेंट जो है वो फूली हुई है, जैसे ये फीमेल की भी वेंट फूली है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखिए यहाँ पैर के पास से हल्का हल्का फूला फूला आपको दिख रहा होगा, यही बहुत सही पहचान है कि आपकी जो फीमेल है, लगभग ये वाली फीमेल जो ग्रीन कलर की आपको बैठी दिख रही है 2 से 3 दिन या फिर आज भी अंडे दे सकती है, इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। बहुत सारी हमारी फीमेल हैं जो सभी ब्रीडिंग पे हैं, और 2 से 3 दिन में बहुत जल्दी ही अंडे देंगी। तो अभी ये वाला जो एग है आपको दिखाता हूँ, अभी आपने पिछला एग जो देखा वो कितना ज़्यादा हेल्दी है आप देख सकते हैं, बिल्कुल साइज़ में भी बहुत अच्छा है। तो इस फीमेल को थोड़ा सा तो मुझे डिस्टर्ब करना पड़ेगा क्योंकि हट नहीं रही है, और एग मुझे आपको दिखाना, ये देखिए दोस्तों एग का साइज़ देखिए आप, अंडे का जो साइज़ है वो किस तरह का है, फीमेल थोड़ी सी डर के हट रही है। तो ये देखिए बहुत ही शानदार साइज़ है दोस्तों एग का, और इस एग के साइज़ के पीछे या फिर इस अंडे की हेल्थ के पीछे जो कारण है वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, या फिर जो डाइट मैंने फॉलो कराई है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या इन्हें डाइट फॉलो कराई है, और अब हम जो है इन्हें क्या डाइट आगे फॉलो कराएंगे 18 दिन तक जब तक चिक्स निकलेंगे। पर अभी तो दोस्तों 8 से 9 दिन में अंडे आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो डाइट फॉलो करानी है मैं आपको वो बताऊँगा, और उसके बाद जो है दोस्तों उसके आगे क्या आपको डाइट फॉलो करानी है वो मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो इससे आप बेफिक्र रहिए, और यहां पर हमारी कॉलोनी के अंदर एक फीमेल के पैर में थोड़ी सी चोट आ गई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए इन्होंने फाइट वगैरह कर ली है, इसके पैर में चोट आ चुकी है, तो अब इसके अभी हम ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे थोड़ी देर से, क्योंकि अब फीमेल्स में ये जनरली होता रहता है दोस्तों, मटकी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फाइट हो जाती है। तो अभी उस फीमेल के लिए जो है हम यहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह करके और आगे फिर उसको सही करके कॉलोनी में रिलीज़ करेंगे, क्योंकि मटकी के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि हमें अगर इनको डाइट फॉलो करानी है इन 8 दिन में तो क्या करानी है। 8 दिन के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ शीट मिक्स बनाकर रखा है, इस तरह का ये शीट मिक्स पर पूरा वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम उन्हें सनफ्लावर बहुत ही अच्छी मात्रा में दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लव बर्ड का रखा हुआ है, तो लव बर्ड के अंदर हम कुसुम की मात्रा ज़्यादा बढ़ाकर रखे हुए हैं। इसके अंदर जो बाजरा मिला हुआ है, बाजरे में इवियन कैप्सूल मिलाकर दोस्तों हमने रख रखा है, और बाजरा इसके अंदर हम इवियन कैप्सूल वाला ही देते हैं, क्योंकि विटामिन ई बहुत सारा होता है इवियन कैप्सूल के अंदर, और आपके बर्ड्स के लिए विटामिन ई का जो तेल होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमारे लव बर्ड भी बैठे हैं, आप देख लीजिए, लव बर्ड भी मैं आपको दिखाता चलता हूँ बीच बीच में। तो ये हमारे लव बर्ड बैठे हैं, वो भी फुल एक्टिव हैं, पर अभी उन्हें हमने मटकी इसलिए नहीं दी क्योंकि उनकी एज नहीं हुई है। किसी भी बर्ड की ब्रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों उसकी एज होना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एज नहीं होगी और उसके पहले आप मटकी दे देंगे तो वो अगर ब्रीड करने वाले होंगे 1 महीने में तो वो उसकी जगह 2 या 3 महीने ले लेंगे। इसलिए सबसे पहले आप एज कन्फर्म करें, जो कि आपको मेरे पिछले वीडियोज़ के अंदर या पुराने वीडियोज़ के अंदर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप एज कन्फर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कुछ बॉयल राइस रखा हुआ है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो डाइट फॉलो करानी है अपने बर्ड्स को वो किस तरह से करानी है। अब ये बॉयल राइस भी हम देंगे, और यहाँ पर देखिए ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं,
और इस तरह के साफ बर्तन के अंदर आपको ये देखिए बिल्कुल साफ है बर्तन, बिल्कुल मंजे हुए और धुले हुए बर्तन है पूरे। इन बर्तनों के अंदर ही आपको अपने बर्ड्स को साफ बर्तनों के अंदर जो है कोई भी सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है, जिससे कि आपको होगा क्या, अगर आप इस तरह के साफ बर्तन में अगर इनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करेंगे तो आपका बर्ड बीमार कम से कम होगा और अच्छी से अच्छी ब्रीड करेगा दोस्तों। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम बताते हैं आपको सॉफ्ट फूड आपको किस तरह से इन्हें प्रोवाइड करना है जब आपका बर्ड ब्रीडिंग मोड पर हो, मतलब आपने जब मटकी लगाई हो उससे 8 से 10 दिन के अंदर आपको अपने बर्ड को प्रोवाइड करना है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है पर फिर से आपको मैं क्लियर करता हूँ, लगभग 1 दिन आपको इन्हें देना है ग्रीन फूड। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ग्रीन फूड दे सकते हैं आप, पालक दे सकते हैं, मेथी दे सकते हैं, धनिया दे सकते हैं, और इतनी क्वांटिटी में देना है आपको कोई भी सॉफ्ट फूड या फिर ग्रीन फूड, जैसे कि वो मात्र 10 से 15 मिनट में जो है वो समाप्त कर लें या ख़त्म कर लें खाकर। इससे ज़्यादा ग्रीन फूड प्रोवाइड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पेट भरकर नहीं खिलाना है, वीक में ओनली 1 दिन देना है, 1 से 2 दिन बिल्कुल नहीं देना है। गला हुआ गेहूं जो आता है आप गेहूं को गला दीजिए रात में, और उसके बाद उसे थोड़ा सा सुबह जो है सीटी लगा लीजिए कुकर के अंदर, या कुकर के अंदर उसको उबाल लीजिए, और गला हुआ गेहूं उबाल कर आप दे सकते हैं इन्हें लगभग वीक के अंदर 2 दिन, और वो भी आपको उन्हें उतना ही प्रोवाइड करना है सुबह सुबह जब आप पानी देने जाएँ। देखिए अभी इनको मैंने पानी नहीं दिया है और पानी के बर्तन हमने यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं, तो होता क्या है पानी के बर्तन जो है वो रात में आप निकाल दीजिए, जिससे कि सर्दी में आपका बर्ड कम बीमार हो, सुबह सुबह जब आप पानी प्रोवाइड करें उसके अंदर आप उन्हें डेली बेस पे विमरल सकते हैं। अभी मैं इनको डेली बेस पे ये विमरल यहां पर मेरे पास रखा है, मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए ये विमरल रखा है और ये मैंने डेली बेस पे प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि विमरल एक बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन है। इससे पहले भी मेरी कॉलोनी में रिजल्ट आया था, बीच में मैंने इसे बंद कर दिया था, अभी मैंने फिर से इस विमरल को स्टार्ट करा है, तो आप ये विमरल ज़रूर प्रोवाइड करें, इससे बहुत ही ज़्यादा आपके बर्ड जो है एक्टिव होंगे और बहुत ही अच्छा जो है ब्रीड करेंगे। तो हम थे सॉफ्ट फूड के ऊपर, फिर आप दे सकते हैं बॉयल राइस। बॉयल राइस मतलब कि उबला हुआ चावल, जो कि आज मैं इन्हें देने वाला हूं, पर बॉयल राइस भी आपको देना है लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया 1 दिन वीक में, बहुत ज़्यादा हार्डली तो आप 2 दिन दे सकते हैं, पर आप संडे से लेकर सैटरडे तक बस 7 दिनों के अंदर एक बार बॉयल राइस दीजिए। और बॉयल राइस में मिक्स करना है आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जिसका नाम है दोस्तों, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, सिपकल 500 mg कैप्सूल। आपको फोटो भी शो हो जाएगा, ये टैबलेट है, सॉरी कैप्सूल नहीं है, इस कैप्सूल या फिर टैबलेट को आपको जो है इस टैबलेट को 4 भाग कर लेना है, और 1 कटोरी चावल, मतलब कि ये देखिए आप इतना चावल है, ये चावल इतना मैं दूंगा अपने बजीज को, तो इस 1 कटोरी चावल के अंदर आपको उसका 1/4 भाग, मतलब कि 1 टैबलेट के 4 टुकड़े कर लेना है और पीस लेना है, पाउडर बना के आपको मिक्स करना है, और देन उसको चावल के ऊपर छिड़क कर अपने बजीज को प्रोवाइड करना है, जिससे कि इनकी जो एग के जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगी और एग का शेल भी मजबूत होगा। और हमेशा आपके केज में रखने वाली चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको डंडियों के ऊपर कैल्शियम ब्लॉक चारों तरफ लगे हुए दिख रहे होंगे, कैल्शियम ब्लॉक ये यहाँ पर लगा है, इस कैल्शियम ब्लॉक को बनाने की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप ये ज़रूर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करिए। इसके बाद जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ नीचे हैं, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है, इसका नाम होता है दोस्तों समुद्री झाग या फिर समुद्र का फैन, जो कि आपको हमेशा अपने केज के अंदर या फिर कॉलोनी के अंदर इस तरह से डाल के रखना। वो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे जो लवबर्ड है उनके भी केज के अंदर आपको यहाँ पर समुद्र का झाग या फिर समुद्र का फैन डाला हुआ दिख रहा होगा। और हमारी जो तीसरी चीज़ है ये देख सकते हैं आप, ये है लाहौरी नमक या फिर सेंधा नमक, इसको कई लोग बोलते हैं, तो ये सेंधा नमक भी आपको हमेशा इस तरह से पटक कर रखना है, दाना यहाँ रखा है जैसे इसके पास ही रख दीजिए, पानी वगैरह भी हम देंगे प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह से आप जो है अपने बर्ड्स को उसके अंदर भी सेंधा नमक डाला है छोटा छोटा, वो पीछे साइड में दिख नहीं रहा होगा आपको, तो इस तरह से आपको ये 3 चीज़ें तो आपके केज में हमेशा ही रखनी है, जिससे कि आपके बर्ड जो इन्हें खाते रहेंगे उनका डाइजेशन वगैरह अच्छा रहेगा और आपके बर्ड कम से कम बीमार होंगे तो अच्छी से अच्छी ब्रीड करते रहेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए चारों तरफ अब मेरे बर्ड जो है वो बैठे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और बहुत जल्दी 18 दिन के अंदर इसमें से बच्चे भी निकलेंगे, उसका वीडियो भी हम लेकर आएंगे, कॉलोनी की फर्स्ट प्रोग्रेस वीडियो का वीडियो रहेगा दोस्तों, और क्या प्रोग्रेस होती है आप सभी के बीच रहेगी गाइज। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।